जबरदस्ती वाली बातें कर रहे हैं। भैया से पूछ ले, भालू भी होते हैं। मैं भालू भी होते हैं ऊपर, दिन में नहीं होते, रात में होते हैं ना। तो बेटा जल्दी चढ़ ले। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे मैं दिख भी रहा हूँ, दिख रहा हूँ ये तो नेक्स्ट डे। और हम जा रहे हैं कहाँ? ट्रैकिंग करने के लिए त्रिउंड पे। तो चलो चले चलो चले चलो चले। और तूने पैक कर लिया सामान? हाँ, कितना मस्त व्यू तो है। लेकिन अब नए वाले व्यू की तरफ चलते हैं ना। ऑलराइटी, लेट्स गो। तो हमने अपना बैग यहीं पे रखवा दिया जहाँ हम रुके हुए थे होस्टलर में, और कल हम आके उठा लेंगे जब हम नीचे उतरेंगे पहाड़ से। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। और अब हम जा रहे हैं, टैक्सी लेनी पड़ेगी कल। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अभी कुछ खा लेते हैं, लाइट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हम आए लामोज रेस्टोरेंट। ये सब मेरा है गाइस। हमारे पास है हमस एंड ब्रेड, ऑमलेट, कोल्ड कॉफी, यमी, और सैलेड भी है बहुत सारा अपेरेंटली। जाने से पहले ना होटल में मैं अच्छे से फ्रेश हुआ, ना मैं कैफे में। तो कब जाना पड़ा मेरे को पब्लिक टॉयलेट में, थोड़ा गंदा था, बट ठीक है, कोई नहीं। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना कितना मुश्किल हो जाता है इस टाइम पे, बट ठीक है। मुझे पता तुम कह रहे होंगे ये सब हमें नहीं जानना, लेकिन ये पार्ट है। और ट्रैवल इतने हमेशा इजी नहीं होता, हमेशा फन नहीं होता, बिहाइंड द सीन्स ये सब चल रहा होता है। बैग लेके, अपना बड़ा बैग लेके वॉशरूम जाना, ढूंढना। हम जा रहे हैं गल्लू देवी मंदिर। और अगर तुम्हारा स्टे है ऊपर तो तुम जा सकते हो 2 बजे तक ऊपर ट्रैकिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा स्टे नहीं है तो तुम 9-10 बजे कर दो शुरू कर दो, क्योंकि वापस भी आना है तुम्हें नीचे। लेकिन स्टे करो तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि वहाँ मज़ा आता है। इतनी ऑफ रोडिंग है और बिल्कुल ही हालत ख़राब हो गई है, ज़्यादा ही ऊपर खावट। एक रोड ख़राब है इसलिए हमें उतरना पड़ेगा। भैया आगे तक आ रहे हैं, चला। धूप है बट अच्छी हवा चल रही है। पिछली बार यहाँ पे कितनी बर्फ थी, हम 2 साल पहले आए थे और हम सिर्फ बस यहीं घूम के चले गए थे। अब जाना है ऊपर, अब हम 2 साल पुराना सपना पूरा करेंगे। ये जब वापसी देगी तो 50 वापसी। तेरे को भी चाहिए एक? बहुत है। तो वैसे तेरे को स्टिक की इसलिए भी जरूरत है, वहाँ पे भालू भी होते हैं, पता है तेरे को? जबरदस्ती वाली बातें कर रहा है। भैया से पूछ ले, भालू भी होते हैं? मैं भालू भी होते हैं ऊपर, दिन में नहीं होते, रात में होते हैं ना। तो बेटा जल्दी चढ़ ले। अब क्या स्टार्ट हो गया? अभी होएगा, हो ही गया समझ ले। अब तो हमें आईडीज कॉपी करवानी है, और हमें वार्निंग मिली है कि आप साथ में ही रहना, रिश्तेदारों सुन लो, साथ में ही रहना। नहीं, इसका मतलब ये है कि उन्हें बस ट्रैक रखना होता है। हां, दैट इज इंपॉर्टेंट, कौन ऊपर गया। तो हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है एग्जैक्टली 11:10 पे, त्रिउंड ट्रैक। और हमारी खूब चेकिंग हुई है, और वैसे भी सोनिया का सपना पूरा नहीं हो पाया, दारू नहीं ले जा सकते। हाँ, मतलब वैसे बता रहा हूँ कि दारू नहीं ले जा सकते, और क्या नहीं ले जा सकते, स्पीकर्स नहीं ले जा सकते, जो कि सही भी मचाने का, नेचर की आवाज़ सुनो, और पीने का भी नहीं है, कहीं ऊपर से छलांग मार दो। अब हुई है ट्रैकिंग स्टार्ट यहाँ से, और वो देख ले कैसे चढ़ना है। हम कोई पहाड़ों वाला सॉन्ग गाते हुए चलते हैं। मेरे को लग रहा है धूप है तो हम जल्दी कर लेंगे कि भागो। हाँ। बचो, ये तो फायदा है धूप। बैठ बैठ के जाती मैं आराम से, मस्त हर एक पत्थर पे। पहाड़ दिख रहा है? हाँ, अभी और ऊपर से अच्छे से दिखेगा, टॉप से बिल्कुल। ऐसा चिकने पत्थर है ये, देख के आई हूँ। हाँ। मन्नी की तरह चिकने है। वे छोटा सा रेस्ट करने के बाद वापस से ट्रैक पे। 1 घंटे बाद आता है ये वाला एरिया, यहाँ पे सब कुछ खाने पीने का मिलता है। हमने कुछ खाया नहीं, बस रेस्ट कर लिया यहाँ पे। तू वहाँ से आ जा, ये वैसे भी थोड़ा मुश्किल था। ले। अरे वाह, तोड़ा तूने? नहीं नहीं, गिरा हुआ था। सही है, ये मैच कर रहा हूँ। लगा ले। ओके ओके, तो अच्छा ठंडा ठंडा है ये। शायद 1/2 घंटे का और बचा है, हमने थोड़ा जल्दी कवर कर लिया। वैसे बस 5 मिनट और, वैसे सब कुछ दिख ही रहा है यहाँ से, थोड़ा सा और रह गया,
पे ध्यान से सारा पूरा व्यू दिखेगा। मस्त लग रहा है, स्विट्जरलैंड लग रहा है। मैं कभी स्विट्जरलैंड नहीं गई तो आई डोंट हैव एनीथिंग टू कंपेयर दिस टू। समझ ले ये उससे भी बढ़िया है, मस्त है। हम कितने ऐसे ऊपर है तो पास में पहाड़। पूरे 3 घंटे लग गए हमें, पूरे के पूरे, लेकिन वर्थ इट है। 3 घंटे ना, थका तो दिया कुत्तों वाला, पसीना देख ले ऐसे बह रहा है। ये है हमारा ठिकाना, आज रात यहीं रुकना है। लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल नीचे गिर गई तो नहीं जाएगी। हाँ खेलना तो है मेरे को। हमारा टेंट लग गया है, ये वाला। जब तक गर्मी लग रही थी जब तक तो ऐसा लग रहा था कि वो सॉक्स भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, लेकिन अब सॉक्स फिर से पहन लिया, जैकेट भी पहनने का टाइम आ गया, बहुत ठंड है यहाँ पे। तो हम अपनी मैगी अपने साथ लेके चलते हैं क्योंकि सोनिया आटा मैगी खा सकती है खाली, मैदे वाली नहीं। मैं भी खाऊंगा ना ये वाली। अरे चोर, हम ना अपनी लेकर आए थे, आप उतना ही चार्ज कर लेना, ये वाली बना दो भाई, मसाला प्याज जो भी डालते हैं। ये है खाना खाने की जगह, इससे बढ़िया प्लेस हो सकती है? मस्त व्यू, आओ आओ बैठो, अपना ही घर समझो। Always try to let my spirit fly. कैसी लग रही है? पहाड़ों फाइड हो गई है ये। आटा जैसी नहीं लग रही, उन्होंने अपना मसाला डाला है ना, मस्त वाला। जब लग रहा था इससे ज़्यादा क्या ही ठंड हो जाएगी, तो अब बारिश भी हो गई। लेकिन हमारे पास टेंट है और वैसे तो यहाँ पे भी जगह है बैठने के लिए, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बारिश में कहीं बैठ नहीं सकते। मज़ा आ रहा है? Yes. गोल अंडे। चलती बादली, अभी चली जाए। चलती बादली। हाँ चलती बादली है। इतना प्यारा भैया, ये देखो कितना सुंदर सुंदर, और इसके पास कितने फर है, इसे जैकेट की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है सूसू करने वाला है, लग रहा है ये ढूंढ रहा है टेंट के पास सूसू कर, अब इसकी टांग उठने वाली है। सूसू मत करना, ये वाटर प्रूफ है लेकिन सूसू मत करना। स्मेल प्रूफ नहीं है, स्मेल प्रूफ नहीं है, बस करने वाला है। आपको ठंडी लग रही है, आप कहाँ से आए हो, आप किसके दोस्त हो, आप मेरे को सवारी कराओगे? मैंने क्रिसमस ट्री लेकर आया। Come all you young rounders. ये बहुत दूर से मिली है। Are you crazy? जरूरत नहीं थी, पूरा खाई थी। बारिश आ गई, अब कुछ नहीं जल पाएगा, इतनी मेहनत वेस्ट गई। हमें पहले ही बोला था लकड़ी नहीं जलने वाली, बारिश आती रहती है, और अब आ गई बारिश, मजे आ गए। मौसम अच्छा है लेकिन मज़ा आ जाता है यार, लकड़ी जल जाती तो। ओले ओले पड़ रहे, बर्फ ही हो गई है, तो बर्फ ही पड़ रही है। ओले ओले, मैंने तेरे सर पे भी आ गए निकाल रहा हूँ, तो आटे हुए हैं। कुत्ते को टेंट खुला दिख गया होगा इसलिए वो जाके बैठ गया उसमें, बारिश से बच के बैठ रहा था। चल भाग गया, अरे मेरे को डांट पड़ेगी, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। ऊपर ना तीनों बाल ना, पहले मेरे जीप बंद करें। गिरते हुए दिख रही है बारिश, क्या मस्त लग रही है, हम इतना दूर है उससे। भाई राजमा चावल मस्त वाले, क्या धुआं है। यस आओ भाई, डिनर डेट, रात को पहाड़ों पे खाएंगे राजमा चावल, और बढ़िया लग रहे हैं यार ये। वो बढ़िया अंडे भैया और मैं उठ चुके हैं, और थोड़ा सा उसको पेट में भी दर्द हो रहा है, कोई नहीं, लेकिन व्यू अच्छा हो रखा है, बहुत बढ़िया, सब क्लियर, सब क्लियर, सनराइज होना अभी बाकी है। वाह भाई वाह, और फिर हम थोड़ी देर बाद नीचे उतरेंगे, लेकिन ठंड बहुत थी रात को, अभी भी बहुत ठंड है, धूप का इंतज़ार हो रहा है, ऐसे कभी नहीं होता, आज हो रहा है। आखिरी में कि पहाड़ पे फिर नीचे चलेंगे। बाय।
पता कब ख़त्म होने वाला है, बस 5 मिनट का और रह गया, 2 घंटे हमें उतरने में लग गए, फिर उसके बाद हम पैदल ही जाएंगे मैक्लोडगंज धर्मगोट से होते, तो कोई दिक्कत ही है। ये बाइक, पेट्रोल, पोल्यूशन, सिटी, बहुत सारे लोग। सब आ गए। यस। डन। कैसा लगा? मस्त। चलो घर चलते हैं। अभी भी चलना है पैदल? हाँ। कोई नहीं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते। ये लेंगे अब हम शॉर्टकट टू धर्मकोट पैदल पैदल। ये ले 20 रुपये और चक्कर। ठीक है, नीचे से चलना लेफ्ट से, ठीक है? यहाँ से कोई गाड़ी सारे ले ले और चुप हो जा। ओके। कमाई हो गई मेरी तो।